ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा। इनसे हम जान रहे हैं 15 से 21 फरवरी के बीच कैसा रहेगा आपका भविष्य। आइए इनसे जानते हैं सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। बिल्कुल राहुल जी, सिंह राशि वाले जातक आज सप्ताह बहुत ही अच्छे से अपने कार्य को करने वाले रहेंगे और मौन ही रहेंगे, ज्यादा मिला जुला ही इनका ये सप्ताह रहेगा। जैसे मैं देखता हूँ सोमवार की शाम के बाद इनका बहुत ही अच्छा है, बुधवार और शुक्रवार ये तीनों ही दिन इनके अच्छे हैं, और साथ साथ जैसे चंद्रमा की युतियाँ जो इनके ऊपर चल रही है तो उससे इनके विदेश योग के भी बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। साथ साथ जो शुक्रवार है उस दिन आप नया आविष्कार कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। और मैं देखता हूँ कि पड़ोसियों से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, नई जमीन खरीदने के पूर्ण योग है, और थोड़ा सा वाहन में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, बाकी ओवरऑल मैं देखता हूँ तो पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आचार्य जी, सिंह राशि वाले जातकों को जो परेशानियां दिक्कतें आएंगी उनसे निजात पाने के उपाय भी साथ साथ बता दें। बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए मैं बता दूं, आपका जैसे सक्सेस रेट लगभग 67% के आसपास का है तो कोई बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दीपक तेल से भरा हुआ जरूर जला दें और यही आपको लाभ देने वाला रहेगा। और साथ साथ यदि आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में आपके कुछ कार्य चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि भोज पत्र में अपना नाम लिख करके ये पैसे पानी में छोड़ना है तो भी आपके लिए लाभ होगा। और विशेष तौर पर मैं देखता हूँ तो 3 अंक आपका भाग्यशाली है और आसमानी रंग का प्रयोग इस सप्ताह कर सकते हैं, तो बेहद अच्छा है। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कन्या राशि के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए मैं बता दूं ये सप्ताह कुछ बहुत बड़ा कार्य आप करने वाले हैं, और इस सप्ताह आपको मान सम्मान भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिनकी नौकरियां नहीं लगी है उनके लिए नौकरियां भी इस सप्ताह बहुत अच्छी मिलने वाली है, और विशेष तौर पे यदि आपने पेपर इत्यादि दिया है तो उसका बेहद लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप उच्च पदों पर हैं तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि स्टाफ आपका आज के लिए काम नहीं करेगा, थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। और विशेष तौर पे राहुल जी की बात मैं इनको बताऊं कि ओवरऑल जो बाकी सप्ताह तो बहुत ही अच्छा है, मंगल और बुधवार के दिन कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये दोनों ही दिन अच्छे हैं, इन दोनों दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। 66% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का मैं देखता हूँ। आचार्य जी, कन्या राशि वाले जातकों को परेशानियां दिक्कतें जो भी है उसके निजात के उपाय भी बता दें। बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, आपको क्या करना है इस सप्ताह, एक मीठा जो क्षार बनाना है और वो क्षार सुबह के समय सोमवार के दिन या रविवार के दिन दोनों में से कोई एक दिन क्या करें तो उस क्षार को जो है आप कहीं रास्ते में छोड़ दें, वो क्षार आपके लिए बहुत वरदान का काम करेगा, किसी भी तरह से परेशानी वाले कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध कर देगा, इससे आपको लाभ भी होगा। और साथ साथ 7 अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं और रंग जो है चॉकलेटी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे भी आपके कार्य में सिद्धि। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। राहुल जी, तुला राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा मिजाज बिगड़ेल रहेगा, स्वास्थ्य भी उनका खराब रहेगा, जैसे रक्तचाप की परेशानियां वो हो सकता है और उधर विकार भी हो सकता है। और साथ साथ मैं इनके लिए भी बता दूं कि सप्ताह के अंत में शुक्र और शनिवार बहुत ही उत्तम है, जिसमें क्या आपके कार्य होने वाले हैं, और विवाह इत्यादि में यदि लड़का लड़की को देख रहे हैं कुछ इस तरह का है तो मंगलिक कार्य के भी योग अच्छे हैं। और विशेष तौर पे आपको थोड़ा सा क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है घर वालों के, तो उससे भी आपको बचना है। और साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आप कहीं यदि राजनीति में हो तो राजनीतिक तो जो ऊपर आपके ऊपर के पदाधिकारी है वो आपको हल्के से परेशान कर सकते हैं, लगभग 55% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का है। आचार्य जी, तुला राशि वालों को जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनसे निजात के उपाय भी बता दें। बिल्कुल, निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, एक रोट बनाना है और अनंत एक रोट बना करके हनुमंत लला के चरणों में आपको छोड़ना है, उससे बेहद लाभ होगा। और एक कील जो है उस रोट के नीचे रखनी है, उससे भी आपको लाभ होगा। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ 8 अंक का और संतरी रंग का प्रयोग आप इस सप्ताह जरूर करें, आपको बेहद लाभ होगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है।
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह बहुत ही ज्यादा कामकाज में व्यस्त रहने वाला रहेगा और आपको समय बहुत कम मिल पाएगा, और बृहस्पतिवार और मंगलवार ये दोनों ही बार आपके लिए बेहद अच्छे हैं। इन दोनों बारों में आपके कुछ बड़ा कार्य हो सकता है, और साथ साथ मैं आपको बताऊं यदि आप रिश्तेदारी इत्यादि के घरों में जाएंगे तो आपका थोड़ा सम्मान सम्मान थोड़ा सा कम होगा, थोड़ी सी ठेस पहुंचने वाली है। घर परिवार में सब लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और मशीनी इत्यादि आपके खराब होने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस सप्ताह जो और सप्ताहों के बजाय बहुत कम जो है न्यूनतम में चलेगा, लगभग 40% के आसपास का सक्सेस रेट इस सप्ताह का आपका है। आचार्य जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो परेशानियां दिक्कतें हैं उनसे निजात के उपाय भी साथ ही बता दें। बिल्कुल राहुल जी, उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको ध्रुवा घास लेनी है, उसे बांध करके सिरहाने में रखना है और इसको थोड़ा सा तेल पिलाना है, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ होंगे। गणपति की उपासना करेंगे तो भी आपको लाभ होगा, और पीले रंग का प्रयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अंक 1 का प्रयोग करें तो भी आपके लिए लाभ लिखा है। बाकी राशियों का हाल जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी चैनल।